420 लोग भरे पड़े हैं। रीता बोली, क्यों क्या हुआ? गीता बोली, आज सवेरे दूध वाली मुझे कोटी अठन्नी दे गई। रीता बोली, कहाँ है वह अठन्नी? गीता बोली, वह तो मैंने सब्जी वाले को देकर सब्जी खरीद ली। नेताजी बोले, डॉक्टर साहब मुझे मेरी भाषा में मेरी दवाइयाँ समझाइए। डॉक्टर बोला, तो सुनिए, मेरी रिपोर्ट के अनुसार आपका ब्लड प्रेशर घोटालों की तरह बढ़ गया है, फेफड़े आश्वासन दे रहे हैं तथा हृदय त्याग पत्र देने वाला है। डॉक्टर रोगी से बोला, बहुत कमजोरी है, फल खाया करो छिलके सहित। एक घंटे बाद रोगी, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोले, क्या खाया था? रोगी बोला, नारियल छिलके सहित। बस में बैठी हुई एक खूबसूरत युवती की गोद में कुत्ते का पिल्ला देखकर एक वृद्ध महिला ने कहा, बेटी अगर इस पिल्ले की जगह तुम्हारी गोद में कोई नन्हा मुन्ना बच्चा होता तो तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लग जाते। सुंदर युवती ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। घोंचू जी बाजार में घूम रहे थे, उनकी पत्नी उनके साथ थी। तभी एक फटेहाल भिखारी ने कहा, बाबूजी भूख लगी है भगवान के नाम पर। घोंचू जी भिखारी से, तुम जुआ खेलते हो, शराब पीते हो? भिखारी ने सटपटा कर जवाब दिया, जी नहीं। घोंचू जी बोले, तब फिर तुम लड़कियों से दोस्ती करते होगे? भिखारी, जी नहीं। घोंचू जी ने अपनी पत्नी की ओर देखा और हंस कर कहा, देखा डार्लिंग, जो लोग यह काम नहीं करते हैं उनकी क्या हालत होती है। गर्लफ्रेंड, कहाँ हो तुम और इतनी देर से मेरी मिस कॉल अटेंड क्यों नहीं की? बॉयफ्रेंड, जानू अस्पताल में हूँ, मेजर एक्सीडेंट हो गया है मेरा। गर्लफ्रेंड, वहाँ से कब डिस्चार्ज हो जाओगे? बॉयफ्रेंड, दो चार दिनों में। गर्लफ्रेंड, ओके कोई बात नहीं, अभी किसी से कहकर मेरा मोबाइल रिचार्ज करवा दो, हाल चाल पूछती रहूंगी। एक स्टाइलिश लड़की ने चंपू को आवाज देते हुए, अरे ओ भाईजान प्लीज सुनिए तो। चंपू झल्लाया और बोला, अरे ओ हीरोइन पहले ये तो फैसला कर, भाई या जान, खाली पीली कंफ्यूज क्यों कर रही है? तुम क्या काम करते हो? बॉय, हिंदुस्तान टाइम्स में जॉब करता था लेकिन अभी छोड़ दिया। गर्ल, छोड़ क्यों दिया, कितनी अच्छी कंपनी तो है। बॉय, अब इतनी ठंड में सुबह सुबह अखबार बांटने कौन जाए।